हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फूड इन माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं मटन चना बोटी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, वो भी कम मसालों में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं न्यू रेसिपीज़ आपके लिए लाया करती हूँ। तो चलिए जल्दी से इसे हम बनाना शुरू करते हैं। लिया है 250 ग्राम बोनलेस मटन, जिसे इस तरह से बारीक सा काट कर लिया है, इस तरह से चना बोटी कर लिया है। रख दिया है ऑयल को गर्म होने के बाद, हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा, और अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं 3 से 4 बाय लीव्स। इसे 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे, सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें मटन को कर देते हैं ऐड। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, हमें इसे पूरा लो फ्लेम पर ही बनाना है, हम इसका गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, इसी पॉइंट पे हमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, और ऐड कर देते हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसका लीड लगाकर, बिना पानी डाले हम इसका लीड लगाकर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। लिया है 6 से 7 लहसुन, थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, हमें इसका फाइन सा पेस्ट बनाना है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, हमने इसे फाइन सा पेस्ट बना लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। 15 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया है, अब हम इसका ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये टूट रहे हैं, मतलब ये हो चुके हैं। काफी टाइम लगा, 15 से 20 मिनट लगे मुझे इसे पकाने में। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन मिर्ची का, इसे इसमें ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से फास्ट फ्लेम करके भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन, जो मैंने पहले से फ्राइड करके रखा था, इसे इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। बहुत ही क्रिस्पी है, इस तरह से हम इसे क्रश करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से कटे हुए हरा धनिया, गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं इसे। अब ये खाने के लिए तैयार हो चुका है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।